दोस्तों स्वागत है आपका हमारे मजेदार YouTube चैनल फैक्ट अर्थ पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी मन पसंद टॉफियों की। और जब भी हम भारत के टॉफियों के बारे में सोचते हैं तो हमारे मस्तिष्क में दो ही नाम आते हैं। पहला, प्राण जाए पर पल्स ना जाए। पल्स में छुपे टैंगीपन का हर कोई दीवाना, प्राण जाए पर पल्स ना जाए। दूसरा, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। अंकल, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। बस फिर अब जब हम बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना एक टॉफी के बारे में और बात करते हैं। जी हाँ, सही सोचा आपने, हम जस्ट जेली के बारे में ही आपको बताने वाले हैं। जस्ट जेली भी उन टॉफियों में से एक है जो भारत में बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप अपनी मन पसंद की टॉफी का नाम कमेंट करके हमें बताएं। दोस्तों शुरुआत करते हैं पल्स से। क्या आपको पता है कि पल्स किस कंपनी का प्रोडक्ट है? नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना आपको बताने के लिए। दोस्तों पल्स कैंडी को डीएस ग्रुप ने 2013 में लॉन्च किया था। और इतना ही नहीं, अगर आप आज पहली बार इस कंपनी का नाम सुन रहे हैं तो आपको एक बात बता देती हूँ कि मुंह में रजनीगंधा और कदमों में दुनिया और किसी का नहीं बल्कि डीएस ग्रुप का ही प्रोडक्ट है। और इतना ही नहीं, कैच मसाला भी डीएस ग्रुप ही बनाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि शुरुआत में पल्स की मार्केटिंग के लिए डीएस ग्रुप ने एक रुपए भी खर्चा नहीं किया और सिर्फ एक साल में इस कैंडी ने 100 करोड़ की सेल्स की थी, वो भी बिना किसी मार्केटिंग के। इतना ही नहीं दोस्तों, डीएस ग्रुप की नेटवर्क 300 करोड़ है। अब आप सोच रहे होंगे बिना मार्केटिंग किए और वो भी एक रुपए भी खर्च किए बिना इन्होंने 100 करोड़ की सेल्स कैसे की, वो भी एक ही साल में। दोस्तों रजनीगंधा की वजह से डीएस ग्रुप के पास एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्क था, जिसकी वजह से इन्होंने बड़ी आसानी से छोटी छोटी दुकानों पर पल्स को लॉन्च कर दिया, वो भी बिना किसी को कानो कान खबर लगे। दोस्तों पल्स के दो फ्लेवर आते हैं, एक कच्चा आम और एक अमरूद का। इतना ही नहीं दोस्तों, पल्स का मार्केटिंग शेयर 12-13% है। दोस्तों अब जानने की कोशिश करते हैं कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। दोस्तों मेलोडी पार्ले कंपनी का एक प्रोजेक्ट है और पार्ले कंपनी दुनिया की जानी मानी कंपनीज में से एक है। दोस्तों मेलोडी को 1983 में लॉन्च किया गया था। इतना ही नहीं, इनकी टैग लाइन मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। अंकल, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। जमाने बदल जाएंगे पर कुछ लोगों के दिमाग में इस तरह बैठ गया था कि लोग इस कैंडी को दिन में एक बार तो खाते ही होंगे। इतना ही नहीं, पार्ले की कई अन्य टॉफियां भी हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कच्चा मैंगो बाइट, ऑरेंज बाइट, पार्ले किसमी इलायची, ये टॉफियां भी आपने जरूर खाई होगी। इसके अलावा पार्ले बिस्किट भी बनाता है, जो देश का सबसे मन पसंद बिस्किट पार्ले जी वे पार्ले का ही देन है। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि पार्ले कंपनी की नेटवर्क 510 करोड़ है। इतना ही नहीं दोस्तों, पार्ले कैंडीज का मार्केट शेयर 20% ज्यादा का है। जस्ट जेली, दोस्तों जस्ट जेली अल्फा लिबी का प्रोडक्ट है जो कि भारत में काफी प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं दोस्तों, अल्फा लिबी इटली और नीदरलैंड्स की कंपनी परफेक्टी मैन विले की सब ब्रांड है। अल्फा लिबी जस्ट जेली को 2012 में लॉन्च किया गया था और यह 42% हिस्सेदार के साथ भारत का सबसे बड़ा जेली ब्रांड है और भालू और बोतलों सहित कई स्वाद और आकार में उपलब्ध है। आपको जानने पर आश्चर्य होगा कि मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे भी परफेक्टी मैन विले का ही प्रोडक्ट है और इस कंपनी की शुरुआत 2001 में हुई थी। इस कंपनी को एम्ब्रोगियो एंड एडिगो परफेक्टी ने मिलकर बनाया था और इटली और नीदरलैंड्स में शुरू किया था और इस कंपनी का नाम भी इनके फाउंडर के नाम पर रखा गया है। इनके प्रोडक्ट दुनिया में हर जगह मिलते हैं और इस कंपनी के दो मेन हेडक्वार्टर्स हैं, एक इटली में लाइनते शहर में और एक दूसरा ब्रदर नीदरलैंड्स में मौजूद है। इतना ही नहीं, इस कंपनी की नेटवर्क 7.8 बिलियन है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।